अग्निविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की भारतीय संस्कृति भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित और आज ऐसे ही महापुरुष की बात करने जा रहे हैं जिनको मिलेगा भारत रत्न जिनका असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और उनके बारे में उनके जीवन के बारे में उनका जो काम उन्होंने किया है देश के लिए उसके बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जो उनके बड़े सहयोगी रहे हैं और उनको वो अपना आदर्श मानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को डॉक्टर साहब नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर आप आडवाणी जी को बहुत नज़दीक से जानते हैं उनके साथ आपका बहुत लंबा रिश्ता रहा है राजनीतिक उन्हें भारत रत्न मिलने वाला है आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत रत्न आडवाणी जी को मिलना मुझे भी उसका लगता है कि मुझे मिला हो क्योंकि लगातार मैं भी पिछले पचास साल से भारत की राजनीति में हूँ भारतीय जनसंघ के समय और भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक जो ग्रुप था उसमें भी मैं उन्नीस से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ये दो हमारे ऐसे नाम रहे जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विकास भी किया अपनी क्षमताएं भी बढ़ाई अपनी स्वीकार्यता भी बढ़ाई और लगभग मुझे सौभाग्य मिला कि अडवाणी जी मेरी बिटिया जब पाँच साल की थी तो उसके जन्मदिन पर एक छोटा सा कार्यक्रम केवल घर में था और अडवाणी जी मेरे आग्रह पर भगवानदासनगर बी नाइन में आए थे निकट का परिचय रहा और फिर राजनीतिक चुनाव के बाद उन्नीस के बाद विशेष तौर पर सिंध से जो आज पाकिस्तान में वहाँ से उजड़ कर अच्छी पढ़ाई उस समय के इंग्लिश मीडियम स्कूलों से करके भारत आना पड़ा उनको परंतु तो सौ से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे प्रचारक रहे और पत्रकारिता में भी उस विचारधारा को बढ़ाने में लगे रहे विवाह भी जब बहुत देरी से किया तो उनकी लोगों को नहीं मालूम पहली शर्त थी इस आयु में विवाह करूंगा तो कोई ऐसी हो जो विवाह के बाद जिसका पति का देहांत हो गया तो एक किस्म से उन्होंने विधवा से विवाह करने का शर्त रखी थी तो मिसिज अडवाणी जी उस समय पोस्ट ऑफिस में काम करती थी किसी ने सुझाव दिया तो कितना बड़ा आदर्श लेकर चलने वाला व्यक्ति राजस्थान में संघ के कार्य को विस्तार देने के बाद इंग्लिश अच्छी लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति भारतीय जनसंघ को दिल्ली में चाहिए इस विचार को लेकर अडवाणी जी को दिल्ली लाया गया था और अडवाणी जी क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे तो मैं समझता हूँ उन्नीस सौ में ये दिल्ली आकर और जनसंघ में अटल जी के सहयोगी बनकर काम करते रहे दीनदयाल जी स्वयं उस समय जीवित थे दीनदयाल जी के साथ रहकर संगठन की सारी बातों को सीखा इन्होंने एक आदर्श इनके जीवन में रहा तो वो दीनदयाल उपाध्याय का रहा जो राम मंदिर बना है उसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं राम मंदिर जो बना है प्रमुख भूमिका तो मैं समझता ये तो बात आप उन्नीस में आगे सीधे इससे पहले इन्होंने दिल्ली के जनसंघ को खड़ा करने में बहुत समय लगाया दिल्ली महानगर परिषद जो विधानसभा का पहला रूप था उसके ये अध्यक्ष रहे दिल्ली से ही राज्यसभा के पहले सांसद भी रहे और दिल्ली से ही आगे बढ़ते हुए भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष बने मास लीडर नहीं रहे उससे पहले कभी राम जन्मभूमि आंदोलन से ये मास लीडर बने एक बहुत बड़ा परिवर्तन है उससे पहले ये बौद्धिक जगत के विचारक के नाते चिंतक के नाते इनका जीवन चलता था परंतु तो इस आंदोलन ने इनको पब्लिक फिगर बनाया हुआ क्या कि उन्नीस में केवल दो सीटें जब रह गई तो सोच विचार करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को भाई क्या हुआ वो दोनों सीटें भी एक गुजरात से एक आंध्रा से और राजीव गांधी की इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद जो एक ऐसी हवा चली उसमें सब साफ हो गए तो बैक टू बेसिक्स वाली बात थी कि हम गांधीवादी समाजवादी को हम अपने कार्यकर्ताओं में उतार नहीं पाए ये एक सच्चाई है और इसीलिए जो पंचनिष्ठाएँ और अटल बिहारी वाजपेयी जी का थोड़ा जादू कम हुआ क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद स्वीकार्यता अटल जी ने स्वयं कहा कि इसका मैं जिम्मेवार हूँ उन्होंने इस्तीफा भी दिया उस समय तक अडवाणी जी महामंत्री थे फिर वो अध्यक्ष बने और पालमपुर हिमाचल प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंगल जी ने शुरू किए थे उसका पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं पालमपुर रेजुलेशन में और अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण होना चाहिए जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर का सरदार पटेल जी की मेहनत के कारण हो पाया था तो अडवाणी जी ने जो राम रथ यात्रा जिसको बोलते हैं आम भाषा में इससे पहले आंदोलन चल रहे थे गांव-गांव से शिला पूजन का जानकी रथ यात्रा अनेकों कर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर पहली बार एक बड़े रूप में सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा अडवाणी जी के नेतृत्व में निकली जिसके प्रमोद महाजन जी सारथी थे और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक किस्म संगठन करता थे गुजरात की यात्रा तो उनके नेतृत्व में निकली ही सारी व्यवस्थाएं नरेंद्र मोदी करते उसके कारण से अडवाणी जी की छवि एक जनता के लीडर के रूप में उभरी ऐसी यात्रा क्यों मैं उसमें दिल्ली की यात्रा का मुख्य जो हम पाँच सात लोग थे उनमें था स्वयं स्फूर्त अपनी मर्जी से लोग कैसे निकल कर आते थे कैसे रथ को ही ये मानते थे जैसे भगवान आ गए रथ पे जल चढ़ाते हैं जैसे पुराने ट्रेडिशनल लोटा लेके और रास्ते में क्या भीड़ और क्या व्यवस्थाएँ अपने आप होती चली गई और बिहार जाते जाते वो इतना पीक आ गया था कि लालू यादव को गिरफ्तार करना पड़ा तो अडवाणी जी ने देश को दो तीन चीज़ें दी एक तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू विरोध करने वाले लोगों को एक्सपोज किया शूडो सेकुलरिज्म को लगातार हैमर किया कि यह है क्या अनडिफाइंड टर्म को तुमने हिंदू विरोध को ही सेकुलरिज्म मान लिया है और जो हिंदू का बात करेगा वो सांप्रदायिक है तो अडवाणी जी का एक बहुत बड़ा है कि इस शब्द को इतना एक्सपोज किया इन्होंने की जनता को समझ में आना शुरू हुआ कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल में इस शब्द को जोड़ के संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया वो एक घिनौना कूकृत्य था तो अडवाणी जी सत्तर से अस्सी में जब पहले सूचना प्रसारण मंत्री भी बने पत्रकार रहे थे तो इस डिपार्टमेंट को पहली बार थोड़ी स्वतंत्रता भी मिली काम करने का अवसर भी मिला और मैं समझता हूँ तीन साल बहुत अच्छा स्वर्णिम काल था क्योंकि उस समय चैनल नहीं थे केवल दूरदर्शन था और प्रिंट मीडिया ही था तो अडवाणी जी और अटल जी विदेश मंत्री के तौर पर अपनी छाप छोड़ने में पूर्णतया सफल रहे थे अडवाणी जी लगातार संगठन के व्यक्ति माने जाते रहे और थोड़ा कट्टर व्यक्ति माना जाता है आम लोगों की धारणा में कि संघ में विचारधारा में अटल जी थोड़े सौबर और अडवाणी जी थोड़े कठोर या कट्टर ये एक इमेज बनाने की कोशिश मीडिया ने की तो इन दोनों में मैंने देखा कि जितना सामंजस्य था जितना एक दूसरे के पूरक थे जितना एक दूसरे का सम्मान करते थे मैंने ऐसे दो नेता लगातार नहीं देखे जो साठ सत्तर साल एक दूसरे का विश्वास लेकर चलते हुए और कभी मतभेद नहीं दोनों के साथ काम करने का अवसर मिला अलग अलग ढंग से काम करने का तरीका अटल जी की ओरेटरी उनकी भाषण कला व्यक्तित्व कला और उनकी हाजिर जवाबी और इनका गंभीर वो थोड़ा हंसमुख चेहरा परंतु हमारी सरकार बनने से नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी को पहला भारत रत्न जब दिया तो जो हम लोग गदगद थे उसके बाद नाना जी देशमुख को भी जो बहुत बड़े संगठक रहे कि राजनीति से स्वयं अपनी मर्जी से 1978 में अलग हुई और सामाजिक कार्यों में रचनात्मक कामों में लगी उनको भी भारत रत्न मिला और अब अडवाणी जी को मिलने से मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ से शिक्षित दीक्षित उस विचारधारा में पले बढ़े लोगों को ये सम्मान मिलना और वो भी पचास हुआ जब से प्रारंभ हुआ बहुत खुशी की बात है डिज़र्व करते हैं थोड़ा देरी से कह सकते हैं परंतु तो ज़्यादा देरी भी नहीं है कई लोगों मल कर्पूरी ठाकुर जी को कितने सतासी में उनका देहांत हो गया अब मिला है परंतु तो अडवाणी जी को जीते जी मिला है हम सब उसके कारण से आह्लादित हैं खुशी महसूस होती है और जिस दिन ये उनको सम्मान प्रदान किया जाएगा हम तो उस दिन निश्चित तौर पर वहाँ होंगे भी इस खुशी के अवसर पर सभी भारतीय वासी और लगभग सभी पार्टियों के लोगों ने शरद पवार जी से लेकर सभी ने स्वागत किया है कि वेल डिजर्वड क्योंकि पद्म विभूषण ये पहले भी थे जी। तो उसके बाद का तो सम्मान यही है और मोदी जी ने पद्म विभूषण शरद पवार को भी दिया मुलायम सिंह को भी दिया प्रकाश सिंह बादल जी को भी दिया पार्टियों से वेंकैया नायडू जी को दिया वेंकैया जी को तो इस साल दिया है अभी परंतु पार्टियों से ऊपर उठकर है ये सम्मान ये नहीं है कि अपने को ही स्वयं दे दिया था भारत के दो प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारत रत्न स्वयं ही स्वयं को दिया तो मोदी जी ने डिजर्विंग लोगों को पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर तीन को दे सकते हैं हर साल परंतु मुश्किल से चार पांच लोगों को दिया है दस साल में। ये नहीं है कि खुश करने के लिए देने वाली बात नहीं और बहुत पहले जिनका देहांत हो गया वो भारत रत्न से पहले ही ऊपर है आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न देना या अडवाणी जी को देना मैं समझ अडवाणी जी को जो मिला है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दीनदयाल उपाध्याय को अपने आप ही मिल गया क्योंकि जब अगर मेरे बेटे को मिल रहा है या मेरे किसी शिष्य को मिल रहा है तो मुझे तो उससे तो ऊपर का मैं हुई गया ना ये बात सबको समझ आनी चाहिए आडवाणी जी आपके आदर्श रहे उनका कोई आदर्श वाक्य जिसका आप अनुसरण करते हैं बहुत उनका अनुसरण करना है भी तपस्या करना है मतलब वो उनके जीवन का हर चीज़ इतना मैथोडिकल आदमी मैंने नहीं देखा मतलब ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते थे पुराने जमाने में मैं कई बार अधिवेशनों में है, हम साथ ही आए हैं बम्बई से दिल्ली या उसमें कोई दिखावा नहीं है उसको मत बोलते कम परंतु तो जी अब करने के अंदर जो आदर्श थे उनको निभाना बहुत टेढ़ा का इसीलिए कई बार कार्यकर्ताओं को कहने को हम सब कहते हैं फॉलोअर हैं फॉलो करना अडवाणी जैसे व्यक्ति को बहुत टेढ़ा काम है उनकी जो किताब भी उन्होंने जो लिखी थी 2009 की भूमिका में लिखी थी प्रोजेक्ट भी हमने करना था परंतु तो उनका सादा जीवन कोई खर्चा नहीं जीवन में एक मकान बनाने की योजना बनी प्रीत विहार परंतु पैसा नहीं हो पाया तो उस प्लॉट को बेचा तो भी आजकल दिल्ली में प्रॉपर्टी एक नंबर में बेचना कितना मुश्किल है अगर एक रुपये में बिकने वाली चीज़ आप सारे एक नंबर में बेचो तो ये कड़वी सच्चाई है कि वो बारानवे में बिकेगी या साठ पैसे तो प्रीत विहार का प्लॉट भी बेच दिया था आज भी इनके पास इनका लड़का कॉमनवेल्थ जो यमुना किनारे है उसमें फ्लैट में रहता है लड़की सरकार द्वारा दी हुई उसमें रहती है बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति और अब थोड़ा बोलने में भी उनको दिक्कत है आयु का भी है और राम जन्म भूमि आंदोलन के वो अगुआ थे और उनके जीते जी आज मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुई है स्वास्थ्य कारणों से बेशक वो नहीं जा पाए परंतु टी वी पर तो टीवी सब देखा है उन्होंने और बहुत प्रसन्न हैं वो भी और हम भी ये सचमुच में भारत के रतन हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लें उनसे सीखें और हो सके तो जीवन को उनके जीवन के अनुसार जीने का प्रयास करें जैसा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज पूरा अटल जी अडवाणी जी एक व्यक्ति में मैं कई बार एक बार मैंने भाषण भी दिया था कि एक व्यक्ति में आप पंद्रह बीस लोगों को देख सकते हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिनमें अडवाणी जी के गुण भी भरपूर मात्रा में अटल जी की वक्तृत्व तो कला भी है दीनदयाल जी का संगठन कला भी है और पुराने जमाने के महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह तीन महान व्यक्तियों को एक जगह देखेंगे तो नरेंद्र मोदी है स्वामी विवेकानंद को देखना हो तो वो भी नरेंद्र थे नरेंद्र मोदी को देखो तो इन सबका समुच्च भारत का ये मैं समझता हूँ स्वर्णिम काल है ये जो अमृत काल है और इसके अंदर जिस प्रकार से भारत ने तेजी से प्रगति की है काश उन्नीस में यही काम सरदार पटेल जी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय होते तो मैं समझता हूँ कि हम अभी तक बहुत बहुत आगे होते परंतु तो देर आए दुरुस्त आए निश्चित तौर पर संकल्प और उनकी सिद्धि को करने के लिए हम सब लोग अड़वाणी जी द्वारा बनाए हुए मार्ग पर अटल जी के दिखाए रास्ते पर डॉक्टर मुखर्जी के सपनों का भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत निश्चित तौर पर बनाएंगे और डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार के जब कहा करते इसी जीवन में इन्हीं आँखों से मैं ये देखना चाहता आज वो शरीर बेशक नहीं है परंतु वो देख रहे हैं कि उनके द्वारा संकल्पित सभी चीज़ें पूरी होने की तरफ बढ़ रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भारत ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है हम सबका कर्तव्य है हम भारत को समझें और भारत को जानें और ऐसे ही और महान व्यक्तियों के बारे में आपको फिर बताएंगे अगले एपिसोड में हमें दीजिए इजाज़त चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इसको शेयर करना न भूलें बहुत बहुत धन्यवाद आपका